खबर इस बीच हम आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है, कांग्रेस में आजाद के बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का विरोध सामने आया है गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद। आजाद का बयान निंदनीय है, यह कहा है कुलदीप बिश्नोई ने। षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे, कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नेतृत्व के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। चिरंजीव राव ने कहा है कि गुलाम को आजाद करो। बड़ी खबर इस बीच जहां पर कांग्रेस में अब गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। क्या कुछ कहा है प्रतिक्रिया के तौर पर इन कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, सबसे पहले सुनिएगा आप। इतना सीनियर आदमी इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान बयान और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे, इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूं कम है। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही। जिस वक्त उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रधान अपॉइंट किया जा रहा था उस वक्त उन्होंने चुनाव की बात क्यों नहीं कही। आज सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश जो आजाद साहब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको आजाद साहब बता देना चाहता हूं कि हम इस आपके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने आपको हरियाणा का विधानसभा से पहले आपको प्रभारी बनाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने कांग्रेस पार्टी का। आज आपकी बजाय कोई और प्रभारी हमारा होता तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार आंध्र प्रदेश के अंदर होती। आप गांधी परिवार को नसीहत देते हैं, उनके खिलाफ गद्दारी करते हैं आप। आज जब पेपर उठाया और गुलाम नबी आजाद जी की जो कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ जो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी तो उससे बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ। उससे पहले कपिल सिब्बल साहब की भी स्टेटमेंट आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ए सम कॉन्सिप्रेसी अगेंस्ट द लीडरशिप। तो गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद अब किस तरह से हरियाणा कांग्रेस से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आपने सुना क्या कुछ कहा कुलदीप बिश्नोई ने, आपने सुना साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि वो पार्टी को कुल मिलाकर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरह से बेड़ा गर्क जिस तरह से उन्होंने हरियाणा कांग्रेस का किया है वो किसी से नहीं छिपा है। हमारे साथ सुभाष बत्रा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। नमस्कार जी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का फाइव स्टार कल्चर खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या पार्टी में? ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो खुद फाइव स्टार कल्चर के आदमी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज गुलाम नबी आजाद जी जो पांच तारा कल्चर की बात करते हैं, ये सारी उम्र तो पांच तारा कल्चर में रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये दो बार लगातार नॉमिनेटेड रहे हैं ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और कभी इलेक्टेड आदमी नहीं रहे और राज्यसभा के मेंबर आज भी हैं नॉमिनेटेड। पिछले कांग्रेस अधिवेशन के अंदर इन्होंने ही रेजोल्यूशन मूव किया था। अच्छा, कि अभी नॉमिनेशन का कार्यकाल और दो साल बढ़ाया जाए और सोनिया जी को उसका अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके ये लोग ये काम कर रहे हैं और लीडरशिप को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष जी, गुलाम नबी आजाद हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, और इस तरह से अगर ये कुछ कह रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि इनकी बात पर एक बार चिंतन मनन तो करना ही चाहिए? नहीं, चिंतन इस तरह से साफ तौर पर कह देना बीजेपी के एजेंट है तमाम। हम नहीं, हमारा कहना ये है कि चिंतन मनन तो हो रहा है, सवाल ये है कि एक अखबारों में, मीडिया में पब्लिकली एक बात को उठाकर ये कहना क्या चाहते हैं ये? जबकि वो कहते हैं ना, जिनके अपने शीशे के हों दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। आप जो बात कह रहे हो ये क्लोज डोर मीटिंग के अंदर भी कही जा सकती है, ये सोनिया जी से, राहुल जी से भी ये बातें कही जा सकती हैं। बड़ा लीडर बनाया किसने, मैं ये पूछना चाहता हूँ। यही गुलाम नबी आजाद है जो 370 की धारा को का समर्थन करते थे। चलिए, वो तो उनका आज, 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 नहीं मैं जो बात कह रहा हूँ, एक
तीन बार ये हरियाणा के प्रभारी बने, इनसे पूछिए आज तक किसी जिले में जाकर इन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सुभाष जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी, ये जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने जो कहा, कपिल सिब्बल ने जो कहा, अब आने वाले वक्त में कांग्रेस पर इस बात का क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस अब पूरी तरह से गुलाम नबी आजाद को घिरने में लगी हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो दौर है इस समय, चाहे गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं या उनकी आलोचना में जो लोग उठ खड़े हुए हैं बोलने के लिए, दोनों ही पक्ष जो है उसको एक निर्देश की आवश्यकता है आलाकमान के स्तर पर, जो नहीं मिल रहा है। अगर आलाकमान खड़ा हो जाए, वो एक निर्देश दे, एक मीटिंग बुलाए, असल में क्या है कि चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तब तो लोग प्लेटफॉर्म टेलीविजन चैनल को बना रहे हैं या मीडिया को बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म नहीं मिलना आज की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये इसी वजह से दोनों स्थितियां, मैं कहता हूं जो लोग गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठा रहे हैं वो भी तो मीडिया में ही सवाल उठा रहे हैं, तो क्या गुलाम नबी आजाद को गलत बता रहे हैं, तो वो क्या खुद गलत नहीं है जो लोग गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठा रहे हैं? तो इस तरह से ये स्थिति बनी। देखिए, हार के बाद हर जगह समीक्षा होती है, चर्चा होती है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो मीडिया को लोग प्लेटफॉर्म बनाने लगते हैं, और कांग्रेस में ये हो रहा है, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी जो है आला कमान की ही है। और एक ऐसी स्थिति है, जबकि सोनिया गांधी की तबीयत अच्छी नहीं है, वो गोवा में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, राहुल गांधी भी उनके साथ हैं, इसी तरीके से अहमद पटेल जी बीमार हैं, एक स्थिति है जब नेतृत्व में इस तरह की बात है, लेकिन सेकेंड जो लीडरशिप है उनको कमांड लेना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां पर कि ये अपनी बात रख सके और मीडिया से बाहर संगठन के हित में बात हो सके। जी प्रेम जी, बिल्कुल सुभाष जी, प्रेम जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ऐसा भी कुछ आपको लगता है कि है कांग्रेस के अंदर? ऐसा है कि प्रेम जी ने ठीक कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सेकंड रंग के लीडर थे, इनको 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 पार्टी के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थी, ना कि पार्टी लीडरशिप या पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलम खुला मीडिया में जाकर इस तरह से प्रचार प्रसार करना, ये ग्रास इनडिसिप्लिन है। ये लोग सत्ता से कभी बाहर नहीं रहे, ये लोग नॉमिनेटेड रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सोनिया जी से मिलकर कर सकते थे ये लोग। आज जैसे ये प्रेम जी कह रहे हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट है, इन्होंने कहा है कि गोवा में वो, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो गई है। पहले भी इन्होंने जो लेटर लिखा था 23 आदमियों ने, उस वक्त लिखा जब सोनिया जी गंगाराम में दाखिल थी। आज वो वहां पर गोवा में गए हैं, और पीछे से ये कैलकुलेटेड गेम है जो मैं कहना चाहता हूँ। दिस इज ए प्लानिंग, दिस इज ए कॉन्सिप्रेसी हैचेड विद द बीजेपी। दे वांट पावर, और ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त डिसिप्लिन की जरूरत है। सुभाष जी हमारे साथ, सुभाष जी लौटेंगे आपके पास इसी सवाल के साथ। चिरंजीव राव जुड़े हुए हैं, एमएलए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर सर। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। आपने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि अब गुलाम को आजाद किया जाए। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ दिया, राज्यसभा में सांसद बनाया 5 बार, मुख्यमंत्री बनाया प्रदेश का, केंद्र में मंत्री बनाया, और आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही ऐसा जो लोग बोल रहे हैं काफी लंबे समय से, तो चिरंजीव जी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इतनी जिम्मेदारियां इनको देकर ये कांग्रेस पार्टी में रहकर ही कांग्रेस पार्टी को खत्म करने लग रहे हैं? इतनी जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी ने इनको दी, तो क्या वो जिम्मेदारियां जो इनको दी गई वो कांग्रेस की गलती थी? देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कांग्रेस की गलती थी, पर जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया, तो लोग सिर्फ 3 बार चुनाव जीत पाए, इतनी बार चुनाव लड़े कभी नहीं जीत पाए वो, उनको इतना कुछ देने के बावजूद भी अगर उनको आज कांग्रेस पार्टी के अंदर ही खामियां नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है ये मौका। चिरंजीव जी लौटेंगे आपके पास। प्रेम कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, कपिल सिब्बल हो फिर चाहे गुलाम नबी आजाद हो, अगर इस तरह से वो कहते हैं कि 5-स्टार कल्चर है कांग्रेस के अंदर,
तो कांग्रेस को नहीं लगता है कि इसमें सोचने की जरूरत है, होमवर्क करने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि तमाम राज्यों में इलेक्शन के बाद क्या कुछ नतीजे आए, कांग्रेस के हाशिए पर खड़ी हुई कांग्रेस दिखाई दी है। प्रेम जी, हारती है तो हारने की वजह होती है और वजह अपने में ही कमी होती है, बिल्कुल, चाहे सैद्धांतिक तौर पर हारते हैं या फिर सांगठनिक स्तर पर प्रयास में कमी रह जाती है या फिर हम जनता के सामने जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, कमी अपने साइड में ही होती है। तो कम इस कमी को बिहार में जो चुनाव में पराजय हुई है ये स्ट्राइक रेट कम रहा, और ये भी आरोप लग रहा है कि नहीं आरजेडी के स्ट्राइक रेट के बराबर अगर होता तो शायद सरकार में होते, तो ये आलोचनाएं हैं, ये तो पार्टी को झेलनी पड़ेगी। तो दूसरी पार्टी जब लगातार अटैक कर रही है विपक्ष पर, माने बीजेपी हुआ या मीडिया हुआ, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि आप बताइए कि आपने अपनी स्ट्राइक रेट क्यों नहीं ठीक रखी, तो इसका जवाब देने के लिए अगर नेतृत्व सामने नहीं आएगा तो कोई अंदर में बात तो उठेगी। आप कपिल सिब्बल हो या गुलाम नबी आजाद हो, इनके कांग्रेसी होने पर, पार्टी के प्रति निष्ठा रहने पर कोई सवाल उठे तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि ये आज से लंबे समय से ये पार्टी में रहे, तो सिर्फ ये इसलिए ये कांग्रेस विरोधी हो जाए या कहे जाए कि इन्होंने आवाज उठाई है, ठीक है प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाई बात सही है, लेकिन क्या चिरंजीव राव जी बोल रहे हैं तो ये भी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही बोल रहे हैं ना, तो ये क्या उनको भी बोल दिया जाए कि आप भी अच्छा। पार्टी के खिलाफ में बोल रहे हैं, हाँ। वो भी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पार्टी के भीतर प्लेटफॉर्म खत्म हो गए, ये अवेलेबल नहीं रह गए। अच्छा सुभाष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने यह साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने गुलाम नबी आजाद ने, जी सुभाष जी ऐसा कुछ था क्या? अभी प्रेम जी ने जो बात कही है वो शायद समझ नहीं पा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये गुलाम नबी या कपिल सिब्बल जैसे लोग ये इस तरह से पब्लिकली मीडिया के अंदर ना जाते तो हमें जरूरत क्या पड़ी थी इनको कंडेम करने की। सवाल ये है कि ये बात क्लोज डोर मीटिंग के अंदर भी कर सकते थे, CWC की मीटिंग हुई थी वहां बातें रखी गई थी, लेकिन पब्लिकली ये कोई प्लेटफॉर्म थोड़ी है कि ये पब्लिकली जाकर लीडरशिप को कंडेम करें और पार्टी को कंडेम करें, जबकि खुद ये सारी उम्र नॉमिनेटेड रहे हैं, इन्होंने क्या नहीं लिया कांग्रेस पार्टी से, इनको तो हमने तो ये कहा है कि इनके खिलाफ तो कार्रवाई करके इनको कांग्रेस से बाहर करना सब दिखाना चाहिए। तो सुभाष जी क्या पार्टी इन पर एक्शन लेगी, जिस तरह के एलिगेशन आप लगा रहे हैं? लेना चाहिए, हम दबाव बढ़ाएंगे इस बात का कि दे आर अपॉर्चुनिस्ट पीपल, दे शुड बी आउट फ्रॉम द पार्टी। अच्छा चिरंजीव राव जी, आपने कहा गुलाम आजाद, तो क्या आजादी का रास्ता इनको आप दिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेशर डालेंगे जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं इन पर? चिरंजीव जी चलिए संपर्क टूटा है हमारा चिरंजीव से। प्रेम कुमार मैं आप ही के पास लौटना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर अब सुभाष बत्रा जी ने जो कुछ बातें कही, कुलदीप बिश्नोई जी ने जो बातें कही, चिरंजीव राव ने जो बातें कही, तमाम चीजें हैं, लेकिन एक कांग्रेसी क्या कुछ करे जब उसको अपनी बात रखनी हो और उसको मंच ना मिल रहा हो, तमाम चीजें हैं। देखिए सुभाष बत्रा जी की पीड़ा मैं समझ रहा हूँ, वो वास्तव में कोई भी कांग्रेसी या किसी दूसरे संगठन में भी ऐसी स्थिति आएगी तो उस पार्टी का कार्यकर्ता जो ईमानदारी से है उसको दुख होगा और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे, ये उनकी पीड़ा है कि उनके अपने नेता ही पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं और उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं सुभाष बत्रा जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब मीडिया लगातार पूछ रही है कि बिहार चुनाव में इसलिए तेजस्वी सत्ता में नहीं आ सके क्योंकि कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया, तो इसका जवाब देने कौन आएगा? कोई तो आएगा पार्टी में, कोई नहीं आ रहे हैं, ये सच्चाई है, वो माने कोई नहीं बोल रहा है, मीडिया को जवाब नहीं मिल रहा है, विपक्ष बीजेपी आरोप लगा रही, वो तो लगाएंगे उसका काम है, सारे लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं और कांग्रेस के पास जवाब देने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको उतना ही फ्रस्ट्रेट होना चाहिए जितना फ्रस्ट्रेशन सुभाष बत्रा जी आप अभी दिखा रहे, दोनों स्थितियों में आपको परेशान होना चाहिए। सुभाष जी बिल्कुल, किसी ना किसी को तो फ्रंट पर आना होगा, क्योंकि बिहार के अंदर से जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में रहा और पिछले चुनाव से प्रदर्शन गिरता जा रहा है, कोई तो फ्रंट पर आएगा ना सर। सुभाष जी मैं ये कहता हूँ कि अभी बिहार चुनाव के रिजल्ट आए कुछ दिन हुए हैं, ठीक है, और सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वो गोवा चली गई हैं, और सबको पता है कि जनवरी के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है,
सबको पता है कि संगठन खड़ा होने जा रहा है। अभी एक महीना डेढ़ महीना पहले CWC की मीटिंग हुई थी, तो जरा इंतजार तो करते। चलो ये भूमिका उनकी जो निभा रहे हैं वो, ये भूमिका तो कांग्रेस के विद इन कांग्रेस एक रिवॉल्ट की भूमिका है। अगर थोड़ा इंतजार कर लेते, देखते कि कांग्रेस लीडरशिप क्या करने जा रही है। ये शुड हैव वेटेड, आई टेल यू। इतना उतावला होने की जरूरत क्या थी कि इनको इमीडिएटली प्रेस में, मीडिया में, 4 दिन पहले तो सिब्बल साहब जा रहे हैं, उससे 15 दिन पहले अनंत शर्मा जी जा रहे हैं, आज ये जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं दिस इज ए कैलकुलेटेड गेम प्लान। इससे जो प्रेम जी ने कहा है, आम कार्यकर्ताओं को बड़ी ज्यादा बेहद पीड़ा है, दुख है कि इन लोगों ने स्वाद ले लिए। सुभाष जी, एक चीज और, एक चीज और सुभाष जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं से सहमत भी हूँ आपकी बात से, लेकिन जो आपका जमीनी कार्यकर्ता है, जब चुनाव किसी राज्य में होते हैं, किसी विधानसभा में होते हैं, जब पार्टी हारती है तो निराशा उसको भी होती है। जो आपका जमीनी सबसे छोटा कार्यकर्ता है, वो चाहेगा कि लीडर की तरफ से कोई बात आए। सोनिया जी की तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, कोई तो फ्रंट पे आता, बात रखता, कोई तो कहता कि हाँ आगे हम जो है और ज्यादा सुधार करेंगे, जमीन पर उतरकर ग्राउंड जीरो पर परखेंगे कि कारण क्या रहे हार के। नहीं, मैं कहता हूँ थोड़ा इंतजार करने की जरूरत थी। इतना हेस्ट में ये पब्लिकली चले जाएं और 2 दिन बाद, 4 दिन के उपरांत अभी और भी उन्होंने प्लानिंग कर रखी होगी, मुझे पता है। एंड दे विल बी एक्सपोज्ड वेरी शॉर्टली, आई टेल यू। चले चले, सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। प्रेम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी बातचीत के लिए। चिरंजीव राव जी विधायक है कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।